हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और देखो भैया, क्या डेंस फॉग हो चुका है आज। मतलब आज वैसे भी कोल्ड वेव है, डिक्लेयर की गई थी कल। मैं देख रहा था कि न्यूज़ में भी आ रहा था, और घर के पास ही देख सकते हो गाइस, दूसरी बिल्डिंग दिखनी भारी हो रही है। यहाँ देख सकते हो राधिका जो है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाने पर लग चुकी हैं। नियमित रूप से चाय बना रही हैं पहले, और उसके बाद बनाएंगे कुछ। ये इतना ऑयल क्यों है भाई? पकौड़ी तो नहीं बना रही हो? मम्मी की चाय पकौड़ियाँ तली जाएंगी खैर। और अभी बन रहा है ब्रेकफास्ट, और वह संस्कृति के लिए भी। और अरे, मुस्कान आ गई, तो मुस्कान के लिए भी। और मुस्कान आज देखना भैया, मुस्कान ने तो बिल्कुल जुलम काट रखे हैं। आज तुम्हें दिखाई दिया कुछ रास्ते में मुस्कान? क्या कोहरा दिख रहा था बस? तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप भी बिलीव कर लेते हैं, खुद ही बिलीव कर लेते हैं, इन्हें दिखाने की जरूरत नहीं है। शायद 2024 का ये साल शुरू हो चुका है, लेकिन ना हम बदले हैं, ना आप बदले हैं, ना हमारी YouTube फैमिली बदली है, और हम सब लोग ऐसे ही मस्त मौला होके चल रहे हैं। ये पढ़ने वाली छात्रा लंगड़ी हुई, क्योंकि ये कबड्डी खेल खेल के पढ़ रही थी शायद। अभी चाय की तैयारी हो रही है, अब चाय दी जाएगी सबको, गर्मा गर्म और पकौड़े के साथ चाय बनेगी। और देखो भाई, यहाँ पे लड़का गिरने को तैयार। कैसे गिर गया बेटा? उठो उठो उठो, अरे से नीचे वाले। मैं भी उठा, मैं आया था उठाने। मेरा क्रेडिट ले लेते हैं लोग, मुझे बिल्कुल भी जीने नहीं देते इस संसार में। मैं कितना काम करता हूँ, मेरे 10 साल सबने करे बुरे हाल। और यहाँ पे नानी की तरह चलती हुई संस्कृति, देखिए चप्पल तो इसीलिए लंगड़ा रही हो तुम? नहीं, मतलब कहा संस्कृति को देखो, चप्पलें दो रंग की पहन ली है, और ये भी सर्दियों में बिना सॉक्स के। यार आती कर दी तुमने संचू। हम तो पहनते ही नहीं है, ना हमें सॉक्स पसंद, ना हमें जुराबे पसंद। यहाँ चाय देते हुए, और ये माता जी की चाय, गर्मा गर्म चाय 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 चाय। ये लीजिए मम्मी चाय। प्लेट लाऊं या ऐसे ले लोगी? नहीं नहीं, इतनी तो बनती है, इतनी तो पीनी चाहिए सवेरे सवेरे उठ के। वाव, तो चाय की तारीफ होते हुए चाय पे मिले हैं 5 में से 5 नंबर। और यहाँ खुशी के मारे देखो भैया, 5 नंबर लेके बेसन सारा पलट दिया, पूरा बेसन पलट दिया है खुशी में, छोड़ा ही नहीं है बिल्कुल। आपको तो मिलते हैं 2 नंबर एक हमने। मैंने तो मांगे ही नहीं, हमें एक नंबर भी मिल जाए तो गनीमत है। पर वही हम किचन में काम करते हैं। हाँ देखो गाइस, ऐसे जस्टिफाई करके बेइज्जती करते हैं, कैसे भिगो भिगो के जूता मारते हैं, ये देख लो। क्या चल रहा है इंडिया में? तो बहुत चल रहा है भाई, बहुत जबरदस्त फॉग है आज तो, बस पूछ मत। तो गाइस, घर में बननी शुरू हो गई है देखो पकौड़ियाँ, और पकौड़ियाँ बहुत जबरदस्त बनाती है राधिका। मेरा मन नहीं होता खाने का कभी भी, लेकिन तुम्हारी पकौड़ी देख के तो ना मैं रहा ही नहीं जाता यार। तुम्हारी पार्टी कैसी थी? मेरा जो छोरा है ये पागल हो गया, छोटे वाला। हम पागल ही हुए, हम देख रहे हैं आप कब आओगे उधर। भैया आप उधर क्यों, क्या कर रहे हो भैया? मुझे ये पट्टा पट्टा दिखा के मेरा मन बहला रहा है, मैं क्या करूं बताओ, मैं तो वैसे ही पागल हूं ना पापा, क्या करूं बताओ पापा, जाऊं इसके साथ? हाँ जा बेटा, जा जा, जी ले अपनी जिंदगी, जितनी जिंदगी जीनी है तुझे जी ले, पर ध्यान रखना कोहरे में गुम गया ना तो दिखेगा नहीं। गाइस कोहरा तो बहुत जबरदस्त है, मेरे तो मुंह से भी कोहरा निकल रहा है, तुम दिखा रहे बोल के। ये देखो भैया, और तुम्हारे कपड़े कहाँ है? कपड़े कहाँ है? जल्दी चल, जल्दी चल अंदर, चलो 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 चलो, कपड़े पहनो। ऐसे में तो कपड़े बेटा सर्दी, अभी गाइस अभी इसको फीवर हुआ था, और फीवर में से ये उठा है ताजा ताजा गरम गरम, और उसके बावजूद फिर से ये कम कपड़े पहन रहा है। देख लो, मनाओ इसको। ये देखो थ्री, मेरी फास्ट स्पीड देखो, देखिए सुनो वचन लग रहा है, देखो आपको दिखेगा नहीं कि ये लग रहा है कि नहीं। भैया तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो, तुम तो वैसे बस बनते हो ज्यादा, 1 2 3 1 2 3 करते रहते हो पापा, इससे ना होगा कुछ भी, ये तो ऐसे कर रहा है पापा। चलो पापा पकौड़ी खाएंगे। ए मेरा शेर आ गया, शेर शेर शेर, अरे वाह वाह वाह, बहुत मस्त हो रहा है। पट्टा उठाएगा और भाग जाएगा, गाइस भाग गया भाग गया। चलो बेटा घर चलते हैं, वह चलाओ, ये तो भाग लेगा। तो
गाइस इस लड़की ने पहना हुआ है लुंगी डांस, दिखाने लुंगी डांस संस्कृति कैसे मैच हो रहा है, ड्रेस दिखा तो सही दिखा दे। अरे यार देखो, अरे ये जो तेरे नैना मेरे नैनों से पीछे को उल्टे होके गाता है ना, हाँ ये जो तेरे नैना मेरे नैनों से भागे रे, कौन सा था वो गाना दिखा रहे हो नानी का, यार नानी का सोल बड़ा अच्छा है। रेंट पे साड़ी, रेंट पे सब है, आप ले सकते हैं। रेंट पे कुछ नहीं है मेरा अपना, ये खजाना रेंट पे ले सकते हैं। और मेरी अलमारी को संस्कृत में जस्ट 1 lakh rupees a day, 1 lakh mein आप कोई भी साड़ी उठा सकते हैं यहाँ पे रेंट पे, एक दिन की, दूसरे दिन में हाँ हाँ वो 2 lakh हो जाएंगे, तीसरे दिन में 3 एक्स्ट्रा, हाँ एक एक तो लगेगा ही। ये बढ़िया है यार, ये तो फिर तो मैं दे दूंगी, फिर मैं कहूंगी 1 lakh में कोई वापस दे या दे, वो ना दे या ना दे, ले जाओ। गाइस बिजनेस ही चलाना नहीं आता, स्कीम ही टक्कर रही है। क्या ढूंढ रही है? और जो आपको मेरे कपड़े देखेंगे उनके प्रीमियम प्रीमियम संजू सिंह ने पहने हुए हैं, आपको 1 crore मिलेंगे और तेरे लिए बैटिंग रहा। यहाँ पे मेरा सूट आपने देखा होगा, मेरे बहुत पसंद है। निकाल लूंगी, निकाल लूंगी, निकालना मत भाई। अच्छा निकालना मत कह रही थी, हाँ मुझे लगा निकालना, निकाल खींच के निकाल लाई, ये मुझे सुनाई दिया निकालना निकालना। ये गाइस प्रीमियम प्रीमियम, और कितना सुंदर सूट है संस्कृति से, मैंने पहना हुआ है इतनी बार, तो एक बार ओनली रील में, वो दो बार पहन लिया। अच्छा दो बार पहना है गाइस मैंने, तो अगर आपको खरीदना है तो ओनली 10 crore बेस्ट 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 रेंट पे 10 lakh फॉर वन आवर बेस्ट बेस्ट। और संस्कृति का रूम हो गया ऐसा, और मोटा कह रहा भाई मेरा बेड भी है कहीं फटे गुदड़े में घूमता रहता हूँ मैं, बालक अकेला। चल यहाँ पढ़ ले जाते, शौक चढ़ रहा है तो चल जा, पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है, छत पे बैठ के पढ़ लूँ, पंखे पे लटक के, चौखटों पर लटक के पढ़ लेता है। तो गाइस 2:30 बज चुका है और देखिए कितनी जबरदस्त सब्जी बनाई है और रागी की रोटी है, और भैया ये मट्ठा भी दिया आज तो वाइफ ने, तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, राधिका ने मुझे याद दिलाया कि आज तो लोहड़ी है, मुझे याद ही नहीं था कि आज लोहड़ी है। हैप्पी लोहड़ी गाइस, लोहड़ी तो लिखते हैं लोहड़ी। अच्छा, और मकर संक्रांति कल है, उसके लिए एडवांस में विशेस देना चाहेंगे आप मेरे यूट्यूब फैमिली को? हाँ गाइस हैप्पी मकर संक्रांति। बड़े धीरे से बोल रही हो, कभी गलत निकल जाए। अच्छा, खुशी के हमारे गलत शब्द निकल जाते हैं गाइस इनके। तो गाइस फाइनली हम संस्कृति को लेने पहुंच गए हैं, लेकिन संस्कृति अभी छोटी नहीं है ऐसा लग रहा है, और हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं बिल्कुल उसकी। वत्सल भी मेरे साथ बना हुआ है, देखते रहिए और बने रहिए। और ये देखो गाइस ये आ रही हैं, इनके चक्कर में हम यहाँ इतनी देर से ठंडी हवा में मर रहे हैं। बैठो जल्दी, आते ही सीट को सही करने में लग गई है, इनको टाइम नहीं है बिल्कुल भी। पिछली बार पता है दोनों बहन भाई भाई एक सही बैठ जाओ, हाँ देखो गाइस ऐसे बच्चे आपके लड़ते झगड़ते होंगे, बिल्कुल नहीं लड़ते। ओ बेटा, ओ बेटा, बाहुबली की जय हो। बाहुबली ने फाइनली सीट को पैर से ही कर दिया गाइस इसने। पीछे करने की कोशिश करेगा ना। अच्छा अच्छा बेटा, अब मत करो, आप ज्यादा खराब आते। दीदी है ना, दीदी है, इसकी बेबी फिंगर इतना कमाल करती है, देखो आपसे भी आगे कर दी उसने। क्यों कर रही है? ये दोनों बच्चे मेरी कार की सीट को तोड़ के मानेंगे, पैसे कौन देगा, जुर्माना कौन देगा अगर टूट गई तो? रुक जा। कैसा था तेरे क्लास, क्लास में क्या सीखा आज? बहुत कुछ यार, 4-5 chapters कर दिया आज तो है। अच्छा बस अब बहस नहीं, तो गाइज अभी चलेंगे घर, ये तो बहस करते रहेंगे यहाँ पे, इनकी बहस का कोई ठिकाना नहीं है, लगातार जारी रहेगा ये मनोरंजन का भरपूर खजाना, केवल लाठी वाला ब्लॉग्स में। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। दिशा विशाना देख रही मुझे, यहाँ तो रेड लाइट पे लटके हुए हैं हम, सामने और ये रेड लाइट, तो फिलहाल खुलेगी थोड़ी देर बाद रेड लाइट, और रेड लाइट के बाद हम चलेंगे गाइज। यहाँ रेडियो पे भौंका भाकी शुरू हो चुकी है, और इस रेडियो की बात ही कुछ अलग है, हम यहाँ पे फंस चुके हैं, तो प्लीज हमें रेस्क्यू किया जाए, नहीं तो मैं इस रिक्शे वाले को रेस्क्यू करके ले जाऊंगा। फिलहाल ये लो जैम जैम जैम, इतना जैम, इतना जैम कि आपने शायद रोटी पे रख के भी ना खाया हो कभी जैम। यहाँ पे बहुत सारा जाम है गाइस। ओ गाइस, अभी आपके चक्कर में मुझे लगी होती टक्कर। तो फिलहाल मेरे बच्चे हो गए हैं सन्नाटे में,
और मैं हूँ चिन्नाटे। मैंने किया गलत इशारा तो वाइपर ने कहा ओ बॉस है हमारा, वाह 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 वाह। नियति कर रखे गाइस इन्होंने, ये मतलब अंदर से निकलेंगे नहीं, मैं गाड़ी बंद कर चुका हूँ आके। बेटा किस खुशी में वेट हो रहा है बत्सल, आओ ना बाहर को, जल्दी निकलो, जल्दी करो जल्दी करो। ये ड्राइवर साहब आ रहे हैं गाइस, देखो ड्राइवर साहब बंद गाड़ी में गाड़ी चला लेते हैं। ड्राइवर साहब कहाँ जा रहे हो, कहाँ लेके जाओगे बता दो हमें। दुबई जा रहे हो गाड़ी से? हमने तो सुना था फ्लाइट से जाते हैं वहाँ पे। नहीं दुबई नहीं जा रहा। तो कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ कहीं तो जा। आप आ रहे हो बाहर? लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ। संस्कृति क्या है मतलब, तुमने एक घंटे की ट्यूशन, देखो गाइस थक गई थक गई। चलो एयरबैग वाले एरिया पे। हाँ हाँ चलो चलो, जल्दी आ जाओ उधर से, गाड़ी तेरे को जैसे जंग लड़ेगी। आप जा नहीं रहे? नहीं अभी नहीं जा रहा, चलो। अरे चलो ना। नहीं नहीं नहीं। तो गाइस इन बच्चों को लाने का एक टारगेट होता है और अभी लेके आया हूँ, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है भाई, बस पूछो मत, मैं तो ठंड के मारे किड़किड़ी जमी जा रही है। अच्छा मेरे खिलाफ साजिश चली जा रही थी गाइस, इसको मेरे साथ इसलिए भेजा कि ये वहां पे अपनी धाक जमाए। और ये कह रही तुम तो मुझे आंख मार के गए थे। दीदी पापा है वो, इज्जत करनी सीख ले थोड़ी बहुत। सुनूंगा मानूंगा ना काऊ की, कभी ज्यादा बन रहे हो। खोल ले जल्दी, जो भी खोलना है मुझे खाना है। चबर चबर करते रहेंगे बोलेंगे, यूं ही की बेजुबान को दे दूं आज लॉलीपॉप पूरी की पूरी। ए नल्ले हैं क्या हम ये सारे? और गाइस यहां सामान है देखिए, ब्रेड सब्जियां इतनी सारी, दो सब्जी लेने गया था, इन्हीं में मेरा हिसाब किताब देख लो, हाथों की उंगलियां टूटने को तैयार हो गई, इतना वजन है आजकल की सब्जी। फिलहाल ना घर में बनाई जा रही है ब्रेड, अभी जो मैं ब्रेड लेके आया था उसको बनाएंगी, चाय के साथ बच्चों को खाने को देंगी। 6:30 हो चुके हैं लेकिन इनको अभी भी यही खाने खाने। अरे मैं कहता हूँ सीधा डिनर बना दो मैडम, क्यों इतनी आपत कूट रही हो? ये फिर खाएंगे नहीं रोटी, क्या फायदा है इनको, गलत टाइम पे तुम गलत चीजें देते हैं इन्हें, तो कुछ दो ही मत, भूखे मार दो। हाँ हंसती रहती है पागलों की तरह जब देखो, क्यों हंसती है तो इतना खुशनुमा नहीं है ये, दीवार में सिर मारा तूने जाके, जो चश्मा टूट जाता अभी नया नया लगवाया मैंने तुम्हें। ये देखो देखो चाल चली जा रही है गाइस, चाल इस घर में चाल चली जाती है, ये देखो। ओ बेटा अरे भैया, अरे भैया चाल गहरी चाल देखो गाइस, गहरी चाल। खैर यहाँ पे ब्रेड पे मक्खन लगाती हुई और मक्खन पे ब्रेड चिपकाती। हाँ जी हमें भी दे देना, हम भी बैठे हैं यहाँ, कभी भूल जाओ हमें। क्यों मैं क्या इस जान में नहीं रहता हूँ, मैं इस दुनिया से अलग हूँ क्या? तो क्या हुआ तुम लोगों को, तो खाना है रोटी नहीं है तुम लोगों को, फिर भी तो खाते हो ना ब्रेड ब्रेड। अच्छा बेइज्जती करके गई है ये मम्मी मेरी, और ये दीदी ने तो बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रखी है। मैं तो जैसे यहाँ का हुई ना, मैं तो किसी दूसरे प्लैनेट से आया हूँ, मेरी इतनी बेइज्जती क्यों हो रही है संसार में? ये पता नहीं क्यों हंसते रहे बच्चे जब देखे। मेरे तो पता नहीं क्या क्या फटा हुआ है, तुम अपना फटे हुए सील लो पहले, बैठ गया फटे हुए सील। मेरे सर पे हाथ रखने की तुम्हारी जुर 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 जुर, जुर नहीं है। फिर तुम किसी और के कपड़े मांग लाई हो? किसके हैं ये तुम्हारे कपड़े, तुम्हें तो पहनने ही नहीं आ रहे, मम्मी के चुरा लिए फिर से। गाइस ये कपड़ा चोर लड़की जब देखो चुराती रहती है, कभी मेरी स्वेटर पहन लेगी, कभी जर्सी पहन लेगी, कभी अपनी मम्मा के पहन लेगी, ये छोड़ती नहीं, और कहती है मेरे हैं ये, तो मेरे हैं ये, मेरी है। YouTube फैमिली समझ लीजिए, क्या है गुस्सा आ रहा है? ऐसे लोग आपने नहीं देखे होंगे, गुस्सा आ गया ना एक बार लोगों के सामने, तो लोगों के सामने क्या गुस्सा आएगा तुम्हें, तुम तो खुद ही मांग मांग के कपड़े पहनती हो, अपनों को तय करके रख लेती है गाइस, और चलती बार कहेगी मेरे पास कपड़े ही नहीं है, सीजनिंग का पहन रहा है मेरे, इसलिए मैं ये कहाँ से पहन रहा है, अपने पहन रहा है, मेरी है। तुम इसे लटकाओगी क्या बाजू में, अब जब ये तुम्हारा आता नहीं, कुछ खिला दो रे भैया, सेवा कर लो के तू राम की, मैं बस बस मैं ही हूँ, मैं और कोई ना मेरे जितना खूबसूरत इस घर में, जो मेरे को प्यार भी कर ले, मेरे पापा इतने खूबसूरत, मेरी मम्मी इतनी खूबसूरत, मेरे भैया इतने खूबसूरत, पर मेरी दीदी नहीं है खूबसूरत, पता नहीं क्यों। मेरे मम्मी पापा भैया सब कुछ, मेरी तो नानी भी खूबसूरत है। मम्मी मम्मी क्या बंटवारा हो रहा है? तो गाइज यहाँ पे ना कैमरे के पीछे बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो हम लोग कभी शूट नहीं कर पाते हैं, और अगर कर लेंगे तो आप लोग ये सोचोगे
कि ये राधिका इतना गहरी सोच रखती है, ये संस्कृति भी इतनी गहरी गहरी चाल चलती रहती है, बहुत ज्यादा गजब बात। मतलब गाइस मैं बता नहीं सकता, इतनी गंदी गंदी बात कर रही है। अभी आपने देखा, यूट्यूब फैमिली, आप समझो बात को। और वो जो चिरकोटा वहां बैठा हुआ है, वो तो किसी की सुनता ही नहीं है। माता जी राम राम। मम्मी आ गई है और मम्मी अब बात कर ली है। मम्मी ने ये लो, ये लाते हैं। ये किसका है? तुम्हारा। अरनानी का? मम्मी बनाए गाइस, बहुत ही प्यारे और बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस। क्या बनाए बताओ? टेंटरन पॉपकॉर्न। बाजार से खरीद रहे थे लोग, मैंने सोचा घर में बना लेंगे, घर के टेस्टी भी होंगे। और ना, एक तो वो ठंडे नहीं थे, इतने ठंडे थे, कितने ठंडे थे, बर्फ के माफिक ठंडे थे, तो गर्म नहीं थे। गर्मा गर्म खाने का जो पॉपकॉर्न का मजा है, वो तो घर गाइस घर पे ही होता है। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने घर पे ही बना लिया है फिलहाल तो। और अभी हम खाने वाले हैं गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। आज तो भैया हैप्पी लोहड़ी, सबको हैप्पी लोहड़ी। तो गाइस पॉपकॉर्न बन चुके हैं, वत्सल कौन से वाले लेगा? ठीक है ले लो, ऐसे तो गर्म नहीं है, ऐसे गर्म नहीं है, ले लो। नमक ये लो बेटा, ऐसे गर्म नहीं है, जाओ बैठो, टीवी देखेंगे अब इसके साथ हम। नमक डाला हुआ है इनमें, खा के देखो। चलो 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 जल्दी। और गाइस ये हैं संस्कृति के लिए इतने सारे पॉपकॉर्न, कैसे पार्टी बनाएंगे आज ही अपनी संस्कृति के लिए, बहुत सारे पॉपकॉर्न। खाएगी बेटा एक, खा के देख। हम कोल्ड ड्रिंक मिला नहीं, खाते खाते खाते। पॉपकॉर्न तो बहुत मस्त बने हैं यार। अच्छा, मुझे नहीं दिया आपने। अभी आ रहा है वत्सल, लेके आ रहा है वत्सल। ले आप पॉपकॉर्न मम्मी के लिए। और मम्मी यहाँ पे देखो बहुत सारा काम करती हुई, ये लो। हाँ अच्छे लग रहे हैं। हाँ विटामिन है। नानी को दे दिए? नहीं, इसमें से वो नीचे प्लास्टिक का बाउल से रखा है। नानी खाएगी तो इसमें से ले ली। यहाँ लेके हम तो वहाँ बैठे हैं। क्यों? ये काम भी करेगा, यहाँ करेगा। अच्छा देख सकते हैं संस्कृति कर रही है यहाँ पे कुछ एक्टिविटी आज, वत्सल की कर रही होगी आई एम श्योर। और ये जब एक दिन पहले जाना होता है ना, तो इनको 10 दिन से एक्टिविटी का वेट हो रहा है, लेकिन हाँ तो कल तक तो बनेगा ये। अरे पापा ये बहुत लेट लतीफ है, इनकी बात ही नहीं है। अरे मेरी प्लास्टिक की हड्डी किसने रखी हुई है यहाँ? चोरी कर ली थी, बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, भगवान कसम इसी की रजाई पे बैठ के खा लूंगा मैं। राधिका के सर में बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ दर्द हो चुका है, देख सकते हो कितना कोहरा हो चुका है शुरू, इतना रात में धुआं धुआं सा नहीं है, ये कोहरा एक्चुअली दोनों साइड ऐसे दिखेगा आपको। देखो अभी से इतना धुंध आ गया है, कैसे काम चलेगा? कल सवेरे तो बहुत ज़्यादा कोहरा रहेगा भाई, ठंड पड़ चुकी है। हाँ तो गाइज मकर संक्रांति की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और मेरी तरफ से भी हैप्पी मकर संक्रांति। तो यहीं पर एंड करने से पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी मकर संक्रांति, कल अच्छे से जम के मनाइएगा। और मैडम को तो सर में दर्द पहले से ही शुरू हो चुका है, पर फिर भी हमारी सवेरे सवेरे हो जाएगी शुरुआत मकर संक्रांति की। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट भी करेगा, जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी करेगा, और पुराने वाले भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो गाइस इसको सर में दर्द है, आप सभी को आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी, क्या है यार।